नमस्कार दोस्तों, प्यारे प्यारे से फूल देखिए, ये पिटूनिया है। पिटूनिया में बहुत सारे कलर वैरायटी के आते हैं फूल, और मैंने ये चार अलग अलग गमलों में देखिए चार अलग लगा रखे हैं। मुझे लगता है कि शायद पॉट के हिसाब से ना कलर चॉइस अच्छी है, कि ब्लू में वाइट लगा दिया है, वाइट में रेड और पिंक लगा दिया है, और ये ब्राउन है तो इसमें जो कि मैंने ये कलर लगा दिया है, और सारा ही अच्छे लग रहे हैं। और पिटूनिया की मैंने बहुत ज़्यादा वैरायटी लगाई हुई है। देखिए ये टब है, इस टब में मैंने चार कलर लगाए हुए हैं। एक तो पता चल गया रेड ये है, और एक रेड ये भी है, तो उनके पास दो रेड कलर के फूल हो गए हैं, और बाकी इन तीनों को पता नहीं है कि किस कलर के हैं। और ये देखिए कुछ पिटूनिया के पौधे मैंने इसमें लगा कर रखे हैं, ये सारे पिटूनिया के ही है। इसमें चार पांच का मुझे पता है जो खिल चुके हैं कि क्यों उनके कलर है, बाकी का नहीं पता है। अभी जब खिलेंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या कलर है इनके। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा कलर हो किसी एक वैरायटी के। जैसे डैंथस है तो लगभग सारे वैरायटी हो, या पैंजी हो तो कई वैरायटी हो, मतलब कई सारे कलर उसमें हो। तो इसी तरह से आज मैं एक पौधा लगाने जा रही हूँ, वो ये है देखिए गजानिया। गजानिया के मेरे पास जो कि पाँच हैं पौधे, इसमें से ये तो पता है मुझे व्हाइट कलर का है, और उसमें ब्राउन शेड है, और बाकी जो कि अभी ये खिले नहीं है चार, पर कलियाँ देखिए सभी में आ गई हैं, और ये वाला शायद एक दो दिन में खिल भी जाएगा। इन सब में कलियाँ आई हैं, सब खिलने वाले हैं। जब मैं लेकर के आई थी ना तो कलियां बिल्कुल नहीं थी, इसमें बहुत छोटी सी पौध थी। उस समय मैंने इसको लगाया नहीं, मैंने कहा थोड़ा सा पौधे और हेल्दी हो जाए तब मैं लगाऊंगी, लेकिन इस वाले को निकाल के मैंने इसमें लगा दिया, और देखिए ये बड़ा भी हो गया है, खिल गया। तो बाकियों को भी मैं लगा नहीं पाई। गजानिया को लगाने के लिए देखिए मैंने एक बड़ा सा ये ट्रे ली हुई है, ये मेरे घर में वेस्ट में भी थी, ये आई थी कुछ खाने की चीज़, तो उसको मैंने रख लिया पौधे लगाने के लिए, और काफ़ी अच्छा है ये। मैंने लास्ट ईयर भी इसमें पौधे लगाए थे, काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी, और चल रहा है ये, तब बचा हुआ है ये। तो ये गजानिया चारों मैं इसी में लगा दूंगी। तो देखिए गजानिया का सॉइल मिक्सचर क्या होना चाहिए। ये मेरे गार्डन सॉइल है, गार्डन सॉइल का मैंने इसको किचन वेस्ट से तैयार किया है, तो किचन वेस्ट से तैयार की हुई खाद तो वैसे भी अच्छी होती ही है, और इसमें मैंने थोड़ा सा बालू मिलाया हुआ है। बालू अगर आपके पास नहीं हो तो बजरी मिला लीजिए, उससे क्या होता है देखिए मिट्टी मेरी कितनी भुरभुरी है ना, भुरभुरी होना बहुत जरूरी है मिट्टी का पौधों को हेल्दी रखने के लिए, और उसकी जड़ों को हेल्दी रखने के लिए। और इसमें मैं थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिला दूंगी, वैसे ज़्यादा मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किचन वेस्ट से तैयार खाद है, मिट्टी है, तो ये देखिए अच्छा ही है, तो ज़्यादा नहीं मिलाऊंगी मैं, थोड़ा ही मिलाऊंगी, क्योंकि पौधे भी मेरे बहुत छोटे हैं अभी, और छोटे पौधों को भी ज़्यादा खाद नहीं चाहिए होती है, थोड़ी बहुत ही खाद चाहिए होती है। उसके बाद पौधे जैसे जैसे बड़े हों तो आप जो कि 20-25 दिन में या महीने भर में 1.5 महीने में आप अपनी आवश्यकता अनुसार या पौधे की रिक्वायरमेंट के अनुसार आप जो है कि उसमें लिक्विड खाद या सॉलिड खाद जो भी गोबर की खाद हो अपना डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें पूरी मिट्टी को भर दिया है, और इसमें इतनी बड़ी ट्रे है, इसमें मैं चार पौधे लगाऊंगी। तो चार पौधे ये ना पैंजी है, पिटूनिया है, गजानिया, जितने भी पौधे हैं इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, बहुत कम जड़ें होती हैं, और वो ऊपर की सरफेस तक फैली होती हैं, बहुत गहरी में नहीं जाती हैं जड़ें, इसलिए बहुत ज़्यादा गहरा पॉट की जरूरत नहीं है इसमें। और जो कि ये पौधे बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होते हैं, छोटे ही रहते हैं, तो ये चार पौधे इसमें आ जाएंगे बहुत अच्छे से, और उनकी अच्छी खासी ग्रोथ भी होगी। तो पौधे के हिसाब से मैं चार होल कर दे रही हूँ। होल करने के बाद जो कि इन पौधों को बहुत ही अच्छे से निकाल देना है, इसमें ज़्यादा ताकत नहीं लगानी होती, पौधे बहुत ही आराम से देखिए निकल जाते हैं, देखिए कितने अच्छे से निकल गया पौधे इसमें। तो बहुत ही धीरे से पौधे को निकालना है ताकि किसी की मिट्टी डिस्टर्ब ना हो। ये देखिए मेरे सारे पौधे लग के तैयार हैं। सॉरी मैंने देखा नहीं था कि पाँच पौधे हैं, ये बहुत छोटा सा पौधा भी इसमें था, और मुझे लग रहा था चार पौधे ही हैं, तो अच्छा है, मेरा तो फायदा ही हो गया है, और मैंने पाँचों पौधे इसमें एडजस्ट कर दिए हैं। अब इसमें जो है कि बहुत थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि पौधे बहुत छोटे से हैं और वो हिल जाएंगे तो थोड़ा सा डैमेज भी हो सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है, और इसको मैं दो चार दिन जो है कि सेमी शेडेरियम रखूंगी, धूप में भी नहीं रखूंगी, पौधे बहुत छोटे हैं अभी, नए नए लगे हैं, तो एक दो दिन बाद ही जो है कि हल्की धूप में रखूंगी इसको। और ये सारी इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा चैनल फेसबुक पेज पर भी है और इंस्टाग्राम पर भी है, तो प्लीज़ उस पर भी फॉलो कीजिए।